तो मेरे चैनल आसिया शेख में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज झींगा और आलू की रेसिपी बताने जा रही हूँ। देखिए, ये आलू है जो मैंने बारीक काट लिया है, और ये मसाला है लाल मिर्च, ज़ीरा, लहसुन और अदरक। और अब मैं एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ प्याज लूँगी और कढ़ाई को चढ़ा लूँगी, और उसमें जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें 2 स्पून ऑयल डालूँगी। 2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल ले लूँगी। देखिए, अब इसके बाद ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें प्याज ऐड करूँगी। अब प्याज को तब तक मैं चलाऊँगी जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। देखिए, ब्राउन कलर का हो रहा है। ये देखिए, इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। ये देखिए, अब इसके बाद इसमें झींगा ऐड करूँगी। देखिए, मैंने ऐड कर दिया है, वो उसको पानी से निकाल लिया थे मैंने। अब इसको ऐड कर दिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, और झींगों को 15 मिनट पानी में भिगो कर रखेंगे, उसके बाद ही उसको निकालेंगे। ये देखिए, अब सबको एक साथ मिला दिए। ये थोड़ा देर पकने देंगे। अब देखिए, जो मैंने मसाला लिया था उसको मैंने एक मिक्सर में पीस लिया है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 स्पून। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, मतलब जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना नमक ऐड करें। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 कप पानी ऐड कर लेंगे इसमें। इसके बाद इसको चलाएंगे अच्छे तरीके से ताकि सब मिक्स हो जाए एक में। ये देखिए, अब इसको पकने देंगे, थोड़ा टाइम तक इसको पकने देंगे। ये देखिए, ढक दिया था हमने, अब इसको दे खोला है, ये पक रहा है। अब इसको फिर से चलाएंगे। ये देखिए, देख लेंगे कि आलू इसका गल गया है या नहीं। उसके बाद इसको फिर से ढक देंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसको खोलेंगे। अब देखिए, ऑयल और सब आलू अलग हो गया है, आपको दिख रहा होगा। इसमें झींगा और आलू ने ऑयल को छोड़ दिया है। जब इस कलर का आ जाए तो इसे थोड़ी देर पका लें, सूखा कर दें। अगर आपका मन हो तो इसे हल्का सा रसीला रहने दें, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही खाएं। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल ही सूखा कर लिया। देखिए, ये देखिए, झींगा भी देखिए एकदम गल चुका है। अब इसके बाद इसको चला लेंगे। अब देखिए, ये बिल्कुल पूरे तरीके से हो गया है। इसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर लेंगे।